नमस्कार। मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो गया, ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया, सत्ता से अनाथ हो गए कमलनाथ। अब बड़ा सवाल बनता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा? अगर नया चेहरा होगा तो क्या वो नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं, क्या वो नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं जो इस समय मोदी सरकार में मंत्री हैं? मेरा पिछले दिनों मुरैना, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी जाना हुआ था। वहाँ जो बीजेपी के जानकार लोग हैं उनका कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन आप भी जानते हैं कि आला कमान की चलती है और आला कमान जिसे कहेगा उसे मुख्यमंत्री बनना ही होगा। फिलहाल शिवराज सिंह का नाम सबसे आगे आगे चल रहा है। दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि अब कमलनाथ की सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में कौन सा बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। उनके चाहने वाले तो कह रहे हैं कि उनके वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये भी देखने की बात होगी। इन दो सवालों पर और ज्यादा बात करने से पहले इस बात पर चर्चा की जाए कि आखिर चूक कैसे गए कमलनाथ। कमलनाथ जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, संसदीय कार्य मंत्री, तो विपक्ष के साथ जब भी गतिरोध होता था तो उनके लिए कहा जाता है कि वो कहते थे एक ही बात, व्हाट इज द डील, डील क्या है, और डील हो जाती थी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो कमलनाथ विपक्ष के साथ संसद में डील करा सकते थे, वो अपनी सरकार बचाने के लिए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई डील नहीं कर सकते? या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया वास्तव में पहले से ही बीजेपी से कोई डील किए बैठे थे और किसी डील के लालच में, कम से कम कांग्रेस की डील के लालच में वो आने वाले नहीं थे? यहाँ एक आध चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं इस दौरे के दौरान भी जो नज़दीकी लोगों से बात हुई कि उनका ये कहना था कि कांग्रेस के नेता भांप नहीं पाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। 18 साल कांग्रेस में रहने के बाद वो बीजेपी में जा सकते हैं और उन 18 साल में भी 7-8 साल वो मंत्री रहे, CWC के सदस्य रहे, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक लोकसभा में रहे, राहुल गांधी के बिल्कुल करीबी रहे। अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग के उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था, उनके बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था। IAS IPS के ट्रांसफ़र उनके कहने पे होते थे, 24 घंटे में ऐसे ट्रांसफ़र हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान का भी ध्यान रखते थे। कुल मिलाकर 55 विधायकों को उन्होंने टिकट दिलवाया था, जिसमें से 20-22 जीत के आए, 9 को मंत्री बनवाया, 9 में से भी 6 को मंत्री बनाया। लेकिन एक दूसरा धड़ा कहता है कि इसके बावजूद सम्मान की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उन्हें हमेशा लगता था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उन्हें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये भी लग रहा था कि राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें उन्हें दूसरी वरीयता पर रखा गया है और ऐसे में दोनों नेता मिलकर उनको राज्यसभा में जाने से रोक भी सकते हैं, कोई दिगड़म चला सकते हैं। ये एक बड़ा सदमा होता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि राजपरिवार, सिंधिया राजपरिवार के वो पहले नेता हैं जो लोकसभा चुनाव हारे थे। गुना से वो एक अनजान चेहरे KP सिंह यादव के हाथों करीब 1.25 लाख वोटों से बीजेपी के जो नेता थे उनसे वो चुनाव हार गए थे, लगातार 3 बार गुना में चुनाव जीतने के बाद। तो उस हार के सदमे से वो अभी उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें राज्यसभा में संभावित हार की आशंका सता रही थी। दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि उनको कांग्रेस में कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि अगले 3-4 साल जब तक मध्य प्रदेश में सरकार है वो यूं ही प्रताड़ित किए जाते रहेंगे। उधर 2024 में भी कांग्रेस सत्ता में आए ना आए कोई भरोसा नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस में उनको भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका आती है। कहा जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पास बुलाकर कहती कि देखिए दिल्ली में आपकी ज़रूरत है और आप राज्यसभा में आपको भेजना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, तो वो शायद रुक सकते थे। एक बात। दूसरा, अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए कांग्रेस को छोड़कर, तो चलो ठीक है, ये राजनीतिक उठा पटक चलती रहती है, ये रणनीति चलती रहती है। लेकिन अगर वो इस कारण गए कि कांग्रेस में भविष्य नहीं है या कांग्रेस में भविष्य अंधकार में है, तो फिर राहुल गांधी के लिए और सोनिया गांधी के लिए सोचने की बात हो सकती है और ऐसे में एक झड़ी भी लग सकती है। कुछ और नेता हैं जो अब राज्यसभा चुनाव के समय जिन्होंने दबाव डालकर अपने हिसाब से शर्तें भी मनवाई और आलाकमान ने उन शर्तों को पूरा भी किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय भी अगर शर्तें पूरी करने की कोशिश पहले से होती तो शायद स्थितियां संभाली जा सकती थी। ये भी कहा जा रहा है कि आलाकमान को पहले ही पता लग गया था कि कुछ विधायक हैं जिनका रुझान बीजेपी की तरफ है और
डील वाली बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सब मानकर बैठे कि ज्योतिरादित्य इस्तीफा नहीं देंगे। तो कांग्रेस के सामने की चुनौतियां ये हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौतियां ये हैं कि जो 22 विधायकों ने उनके कहने पर इस्तीफे दिए, उनको वो कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जितवा कर विधानसभा लेकर आए। जो 9 इनमें मंत्री भी हैं, 9 में से 6 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, तो नई सरकार जो भी बीजेपी की बने, जो कि बनने जा रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल अटका हुआ है। तो वहाँ उनको मंत्री पद भी दें, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलवाएं। मुरैना, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, धार, इंदौर, उज्जैन, ये बड़ा संभाग है जो कैचमेंट एरिया राज परिवार का कहलाता है, सिंधिया राज परिवार का, और जिसमें से करीब बहुत बड़ी संख्या में लोग शिवपुरी में और गुना में तो कहते हैं कि 90% जो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता थे वो भी सब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए हैं। ऐसे जो नेता गए हैं साथ में, उनको बीजेपी में भी वही सम्मान मिलेगा। छोटे मोटे पद जो यहाँ थे, वैसे छोटे मोटे पद बीजेपी में या बीजेपी युवा मोर्चा में मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं। वैसे सत्ता कैसे बीजेपी ने छीनी, बीजेपी ने सत्ता हथियाई, बीजेपी ने एक राजनीतिक रणनीति पर अमल किया, इस पर अलग अलग तरह की बहस हो सकती है। कहा जाता है कि युद्ध और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, अब इसमें राजनीति भी जोड़ दीजिए। युद्ध, मोहब्बत और राजनीति में सब कुछ जायज़ है भारत के अंदर, और जब जायज़ है तो फिर बहस क्या करना है। ABP News आपको रखे आगे।